Three cheers for India. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Let us get into this mode. Let this feeling sink in. खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड. ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे. कामो देला मोदी को विदेश नीति भारतीय कूटनीति रो बड़ विजय. नौसेना रो 8 जण पूर्वतन जवान को मुक्त करिला कातार. जहां केही केबे कल्पना भी करिनथिले ताहा करि देखाइछन्ति भारत सरकार. एपटे भारत रे चिंतित परिवार, सेपटे मुंटो उपरे मृत्यु दंडादेश. गुइंदागिरी अभियोग रे कातार रे दीर्घ 2 वर्ष हेब न्याय पई संघर्ष चलाइथिले भारतीय नौसेना रो 8 जण पूर्वतन अधिकारी. 28 दिसंबर को वहां के जो कोर्ट ऑफ अपील है उन्होंने एक जजमेंट दिया. उसके तत्पश्चात हम लोगों ने एक प्रेस रिलीज निकाली जिसमें हम लोगों ने बताया था आपको कि उनका जो डेथ सेंटेंस है, मृत्यु दंड है, उसको घटा के प्रेजेंट सेंटेंसेस कर दिया गया है. अब हमारे पास जो हमारी लीगल टीम है, हमारे पास नहीं, जो लीगल टीम है उनके पास वो कोर्ट का ऑर्डर है. वो जो कोर्ट ऑर्डर है वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है. तो लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि कंफर्म कर सकता हूँ कि जिन उन सबका जो सेंटेंसेज है, वेरिंग सेंटेंसेज मिला है, अलग अलग अवधि का सेंटेंस मिला है और डेथ पेनल्टी खत्म हो गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें इन्वॉल्व होने के बाद कतार के अध्यक्ष, कतार के राजू से बातचीत करने के बाद हमारे 8 लोगों को रिलीज हो गया. मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को. रिश्ते बेहतर थे और इसीलिए ये संभव हो पाया. तो सबके प्रति मैं खास तौर पे प्रधानमंत्री जी और अमीर के प्रति धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ. और प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन के बाद ही ये संभव हुआ. सेपटे मुक्त 8 जन को मध्यरु 7 जन आसी भारत रे पहुंची सारी. गुप्तचर कार्य मामला रे सेमानकु मृत्यु दंड मिलिथिला. अपील परे सेमानको दंड कोहल करा जायथिला. वैदेशिक व्यापार मंत्रालय कहिछि जे घरोई प्रतिष्ठान अल दाहरा ग्लोबल कंपनी रे कार्य करथुवा भारतीय नौसेना रो 8 जन पूर्वतन कर्मचारी को मध्यरु 7 जन कतार रु भारत फेरि सारिछन्ति. भिसा ओ कागजपत्र काम रे विलंब पई जणे फेरिनांथि किंतु तांकु भी खूब शीघ्र भारत अणा जीव बोली कहिछि वैदेशिक मंत्रालय. ऑफिस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया. विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल. एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन. और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार. सेपटे भारत आगरे कतार भली ओआईसी समर्थित एक मुस्लिम देश नईवा पछरे रही मोदी रणनीति जहाँ आरंभ होता दुबई में डिसेम्बर 1 तारीख होता COP28 शिखर सम्मेलन में जोटी कतार अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी प्रधानमंत्री मोदी साक्षात करते. दुई नेता बैठक पर बिन हमाद अल थानी कही भारतीय संप्रदायर कल्याण संपर्क को कतार गुरुतर सह देखुचे आ मोदी सह यह संपर्क को बजाय रखापी बिन हमाद अल भारतीय नौसेना अधिकारी मुकुलाई चर्चा रिपोर्ट अर्गस न्यूज. जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं.